हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, हम मुबशर। सो गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मोबाइल रिचार्ज कंपैरिजन लेकर आए हैं। मोबाइल डेटा जो इंटरनेट रिचार्ज होता है या मोबाइल का मतलब बैलेंस कॉल शॉल के लिए, वो रिचार्ज का कंपैरिजन लगे भारत में किस प्राइसेस में मिलता है और पाकिस्तान में किस प्राइसेस में मिलता है। बहुत मजे का वीडियो लगा। सबसे पहले आप लोगों ने बताना आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो। मैं तो कितना पैकेज कितने में कर रहे हो वो चलो हम जॉन यूज कर रहे हैं और आप कौन सी सिम यूज कर रहे हो, ये हर किसी ने कमेंट में बताना है और कौन से वाले रिचार्ज लगाते हुए बताना। तो कानून करते हैं रेडवन एंड स्टार्ट। आप लोग इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अपने यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज जो है कितना सस्ता है और क्या प्लान है। ये आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान में कितना महंगा रिचार्ज है, लोग कैसे अफोर्ड करते हैं। बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना महंगा लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं मंथली मोबाइल रिचार्ज को। डेटा के लिए तो वहाँ के लोग इतना परेशान है कि आज के वीडियो में हम जानेंगे चार ऐसे कंट्री के बारे में जिस कंट्री में सबसे ज्यादा महंगा मोबाइल रिचार्ज होता है। इसमें एक अपना कंट्री भी रहेगा इंडिया, और ये टोटल पांच कंट्री को मैं कंपेयर करूंगा इंडिया के साथ और देखते हैं किस कंट्री में सबसे महंगा रिचार्ज है। इसमें सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर है और कितना महंगा इनका रिचार्ज है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे महंगा इनका जो रिचार्ज है कितने का है और महीने का क्या प्लान देते हैं। मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ यह मैं अपने स्क्रीन पे लाया हूँ आपको, और यहाँ पे एक तो है जोंग। जोंग जो है ये चाइना के सर्विस प्रोवाइडर है, और यहाँ पे जैसे कि आप अगर देखते हैं फास्ट तो पहला इनका रिचार्ज है 1700 रुपए का, जिसमें 200 जीबी डेटा दे रहे हैं। ये 1900 का हो गया, 1900 का हो गया 1700। 2000 ऑफ नेट मिनट दे रहे हैं और 20,000 मिनट जो दे रहे हैं जोंग मिनट, जो कि जोंग टू जोंग आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ये और भी बहुत सारे प्लान हैं। तो एक इनका 1500 का प्लान है यहाँ पे, जो कि 60 GB इंटरनेट मिलता है, 600 मिनट आपको मिलता है, जो अदर किसी भी नेटवर्क पे आप बात कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे मेरे को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है वीडियो बनाने में। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स करते हैं तो इससे मेरे को एक मोटिवेटेड मिलता है कि चलो आप लोग मेरे को एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करें, वीडियो को एंजॉय करें। और जोंग टू जोंग 10,000 मिनट है। और दूसरा इनका जो सर्विस प्रोवाइडर है यूफोन 4G, यहाँ पे इसके यहाँ पे भी बहुत महंगा प्लान है। 999 का ये जो प्लान है इनका, 350 मिनट मिलता है अदर नेटवर्क पे, हजार में यूफोन टू यूफोन आपका अनलिमिटेड कॉल है, इंटरनेट आपको 10 GB मिलता है जो कि बहुत ही कम, 10 GB हजार, और SMS आपको बहुत ज्यादा मिलता है पाकिस्तान के अंदर, जो कि SMS आप कॉल के अंदर ले बेकार, जो कि इनको 4500 SMS यहाँ दिया जाता है, 30 दिन के अंदर 4500 SMS आप भेज सकते हैं। और ये वैलिडिटी जो होता है 30 दिन का होता है, और यहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए इनका कुछ कोड होता है जो कि पाकिस्तान के यूजर्स ये सब्सक्राइब इस तरीके से कर सकते हैं। और भी बहुत सारा इनका रिचार्ज है। एक दूसरा है पाकिस्तान के पॉपुलर टेलीकॉम इंडस्ट्री की सर्विस प्रोवाइडर है, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो यूज होता है ये सिम ज्यादा यूज होता है एस्कॉम। एस्कॉम नहीं होता यहाँ पे, अगर देखा जाए तो सुपर लोडेड मैक्स है, 999 रुपीज का मंथली प्लान है, जो कि अनलिमिटेड एस्कॉम टू एस्कॉम है, और 400 मिनट जो ऑफ मतलब किसी अदर पे भी आप बात कर सकते हैं अनलिमिटेड। आप दूसरा प्लान है मेगा मंथली ऑफर, जो कि 500 मिनट एस्कॉम टू एस्कॉम फैमिली मिलता है, 300 अदर नेटवर्क पे मिलता है, अनलिमिटेड SMS होता है। यहाँ पे SMS का जैसे कि देख सकते हैं पाकिस्तान में SMS की जो है ना, जो अपने यहाँ पे SMS की ज्यादा वैल्यू नहीं है, पर पाकिस्तान में SMS को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है क्योंकि अनलिमिटेड SMS होता है, 4,000 SMS मिल रहे हैं। इस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में SMS का परिचलन अभी भी बहुत ज्यादा है, जो कि अब इंडिया में SMS को ज्यादा कोई यूज नहीं करता है। हम लोगों को तो एक 100 SMS पर डे मिलता है, पर उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, SMS भेजते नहीं है।
और इसमें 10 GB डेटा है, 5 GB नाइट डेटा मिलता है और 30 दिन की वैलिडिटी होता है। ये सारे प्लान है जो आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरीके से ये सर्विस प्रोवाइडर है, जो इनमें आपको दिखाता हूँ इंडिया के कुछ प्लान। अगर पाकिस्तान के लोग देख रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंट है। देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है वो है जियो, रिलायंस टेलीकॉम। तो इसमें देखिए, मैं आपको कुछ प्लान दिखाता हूँ जो फाइन इंडिया मोस्ट लेवल प्लान है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान यूज होता है यहाँ पे, 299 का। बहुत ट्रेंडिंग है, हर कोई यही रिचार्ज कराता है जियो में, जो कि 2 GB डेटा पर डे मिलता है। अगर महीने के आप काउंट करते हो तो 60 GB डेटा मिलता है, ठीक है। 28 दिन की वैलिडिटी होता है और इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग होता है किसी भी नेटवर्क पे। ऐसा नहीं सकते हो जियो की ₹1000 में यहाँ पे सब नेटवर्क पे अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। दूसरा प्लान है ₹799 का, जो 90 दिन की वैलिडिटी होता है, 2 GB डेटा मिलता है, 20 GB एडिशनल डेटा मिलता है। ये बहुत बड़ा प्लान है, इतना प्लान बड़ा हम लोग कोई कराता नहीं इंडिया में, सब मंथली पे ही चलते हैं या तो पोस्टपेड यूजर्स हैं। दूसरा है ₹1198 का प्लान है, ये आप देख सकते हैं, 2 GB डेटा मिलता है, 84 डेज के लिए है और इसमें बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, जैसे OTTs वगैरह, Amazon Prime वगैरह, ये आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे इस चीज की Amazon Prime साथ देते हैं, कोई सा भी अगर आप रिचार्ज कराते हो कोई ना कोई एक OTT प्लेटफॉर्म आपको फ्री मिल जाता है। दूसरा ₹2999 का प्लान है, जिसमें 2.5 GB डेटा पर डे मिलता है, 365 दिन, मतलब एक साल के लिए आप कह सकते हो ₹3000 में आप एक साल के लिए फ्री हो गए हो। 2.5 GB डेटा मिलता है, OTT प्लेटफॉर्म, सब्सक्रिप्शन, सब कुछ मिलता है। ये जियो का प्लान है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका वोडाफोन का, VI का, VI में क्या सर्विसेज है और कितना महंगा है। VI में हमारे पास मैंने 3 प्लान निकाला हुआ है जो कि पॉपुलर प्लान है, लोग इसे ज्यादा यूज करते हैं। पहला है ₹299 का, जिसमें 1.5 GB डेटा मिलता है, 28 दिन की वैलिडिटी होती है, अनलिमिटेड कॉलिंग होती है, 2 GB डेटा फ्री मिलता है एवरी मंथ, अनलिमिटेड टोटल कॉलिंग। दूसरा प्लान है 359 का, 3 GB डेटा मिलता है पर डे, 28 दिन की वैलिडिटी है। 369 का है, 2 GB डेटा पर डे, 30 दिन के लिए होता है। इसमें भी आपको कुछ OTT वगैरह मिल जाता है, जिसमें आप कुछ मूवीज वगैरह या कोई वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं। इस वीडियो में दिखाई गई सारी जानकारियां ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे तो आप भी जाके देख सकते हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मुझे यार एक बात समझ नहीं आई, हमें ₹1000 में, चलो इंडियन पैसों में कर लो तकरीबन 320-30 रुपए, बिल्कुल 320, हमें 10 GB डेटा मिलता है। अगर बराबर का हमारा जो इंडिया के साथ पैकेज कंपेयर करो ना, तो हमें 10 GB मिल रहा है, इंडिया को 60 GB मिल रहा है, 2 GB। अच्छा तुम इधर एक और बात भूल रहे हो, इतनी कॉलेज वाले हमें वो नहीं दे रहे। अगर 2 GB डेटा इंडिया पूरा कर भी ले ना, उनको व्हाट्सएप फ्री मिल जाता है, हमें प्लेटफॉर्म फ्री मिल जाता है, हमें ये भी नहीं मिलता, हमें ये चीजें नहीं मिलती, हमें ये चीज भी नहीं मिलती। इंडिया में बिल्कुल कहा जाता है कि अगर 2 GB डेटा मतलब फुल हो जाए ना, मतलब डेली लिमिट, व्हाट्सएप और पता नहीं कोई और प्लेटफॉर्म, इंस्टा इस तरह बोल रहे थे, जो वो फिर फ्री यूज कर सकते हो, मतलब अपना डेटा। अच्छा एक और मजे की बात, हम लोग हमारी स्पीड कितनी होती है तुम्हें पता है? अड़ रहा होता है, नेट चल ही नहीं रहा होता सही, इंडिया में दौड़ रहा होता है भाई, गोली है गोली। अच्छा वाईफाई जो हमें हमारा इधर लगा हुआ है या स्पीड है, मैं आपको स्पीड का बताता हूँ। हमारा जो प्लान है वो 6500 रुपए का है, और वो प्लान में हमें डाउनलोडिंग जो है ना उसकी तकरीबन 2 MB होती है, 2.5 किस में वाईफाई का प्लान का, वाईफाई के अंदर भाई हमारी जो अभी जो सबसे फास्ट हमने लगाया, हाँ। आपको वाईफाई का मैं बताता हूँ, अभी हमने लगाया 30 MB पर सेकंड का, हाँ। उसकी हमें स्पीड मिलती है 3 MB, 3.5 MB, 3 MB, 3.5 MB, 2.5 MB, मतलब स्टेबल नहीं रहती, 2.5-2.5 पे भी आ जाती है अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की बात कर रहे हैं, तो मतलब हम उसके पैसे देते हैं 6500 रुपए, 6500 रुपया सस्ता होगा इंडिया में भाई। सबसे पहले तो गाइस आप लोग बताओ कौन सा पैकेज यूज करते हो, कौन सा मतलब सर्विस टेलीकॉम यूज, वो जो 1700 का पैकेज था ना, अभी वो 1900 का हो गया, जिसमें 200 GB मिलता है, और जिसमें 60 GB जो हमें मिलता था, 1500 लिखा हुआ था, वो 1700 का अब हो गया, अभी चेंज हो गया, वो जो है ना 60 GB, चार महीने पुरानी वीडियो है। खुद सोचो कि पाकिस्तान में कितने महंगे पैकेजेस हैं यार, खुद सोचो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। सही बात है, और इंडिया में क्या रेट है, आपके पास कौन सी सिम है, आपके पास कौन से पैकेजेस है, सबसे सस्ते पैकेजेस कौन देता है, सबसे
आपका उधर जो स्पीड किस तरह आती है, कितनी देर में, हमारी इधर हमने जो फास्ट नेटवर्क ये लगाया ना, हम तो वाईफाई पर जी रहे हैं भाई, सीधी बात बोले हम सिम यूज कहीं घर में 15 मिनट में हो जाए हमारी सिम। हाँ भाई हमारी सिम ऐसी है ना भाई कि भाई साहब सीधा हम घर में कहीं जगह पे सिग्नल आते हैं कहीं पे नहीं आते, नहीं आते। हाँ। लानत ऐसे नेटवर्क पे, इससे अच्छा वाईफाई यूज करो घर में, एंजॉय मारो भाई। वो मतलब कहीं उधर बैठो उधर स्पीड आ रही है उधर नहीं आ रही है। हाँ। जी यार यार मजाक है उधर जा मर्जी चले। हाँ। जाओ यूं होता है। तो आपका कहना अपने लिए बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार